कैसे हैं आप? मैं संतोष पिलानिया आज आपके लिए बीएड पार्ट प्रथम का समकालीन भारत और शिक्षा का वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम पढ़ रहे थे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधन किए गए थे वो किस किस के तहत किए गए, यानी राम मूर्ति समिति गठित हुई, जनार्दन रेड्डी समिति गठित हुई और जो यशपाल समिति है उसका गठन किया गया। तो ये क्या थे? ये संशोधन समितियां थी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसकी संशोधित समितियां रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वैसे अगर हम देखें तो कोई इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 12 भाग थे, 12 खंड थे, उन्हीं में से कुछ खंडों में ये जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है इसने संशोधन कर दिए। तो है तो वही चीज, लेकिन कुछ संशोधन, कुछ खंडों में संशोधन प्रस्तुत कर दिए, इसलिए इसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहा गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधन से संबंधित जो समितियां थी वो तीन थी। हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में राम मूर्ति समीक्षा समिति का जो वीडियो बनाया था उसमें, कि राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990 ये क्या हुई, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सिमट कर रह गई, क्योंकि जनता दल की सरकार थी और वो कम समय में रही और सिर्फ कागजी कार्रवाई ही इसकी हो पाई थी। तो इसको न तो लागू किया गया, तो ये हमने बात भी की थी कि सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गई। फिर आई जनार्दन रेड्डी समिति, यानी जैसे ही कांग्रेस की सरकार फिर से सत्ता में आई, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। कांग्रेस ने कहा कि हम राम मूर्ति की जो सिफारिश है उनको नहीं मानेंगे और हमने इसकी समीक्षा के लिए जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कर दिया गया। तो जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया और कह दिया कि पुरानी जो समिति है उसकी बातें हम नहीं मानेंगे, इसलिए जनार्दन रेड्डी समिति जो भी सुझाव देगी, संशोधन करेगी, उनको हम लागू करेंगे। फिर इसी तरह से इनको ये लगा कि जनार्दन रेड्डी समिति में भी कुछ कमी रह गई है या पूर्ण रूप से ये अपना प्रस्ताव है वो प्रस्तुत नहीं कर पाई है, कहीं ना कुछ कमी इनको लगी, इसलिए इन्होंने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का भी गठन कर दिया। तो इस तरह से जो जनार्दन रेड्डी समिति ने जो बातें कही या जो सुझाव दिए, ये कांग्रेस सरकार को, यानी अपनी ही समिति का गठन, खुद ने ही इन्होंने समिति का गठन किया, लेकिन फिर भी इनको कुछ अधूरापन लगा होगा, इसलिए इन्होंने यशपाल समिति का गठन कर दिया। तो ये तीनों समितियां किससे संबंधित हैं? ये तीनों ही समितियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है, NEP जिसको हम कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो अब जो यशपाल समिति का गठन कर दिया 1992-93 में, इसको इसलिए कहा जाता है 1992-93 क्योंकि 1992 में संशोधन हो चुका था, लेकिन जो भी अंतर आए वो 1993 में आए, क्योंकि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में ही प्रस्तुत की थी, यानी सरकार को 1993 में जनार्दन रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसलिए 1992-93 भी इसको कहा जाता है। तो अब इस समिति में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या किया गया, अब उसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जानेंगे। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको कहा गया, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा 1992 है, इसमें आचार्य राम मूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार है वो नहीं किया गया था, यानी आचार्य राम मूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पर अभी विचार शुरू भी नहीं हुआ था कि केंद्र की नई सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। वही मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की सरकार आते ही पुनः एक नई समिति का गठन कर दिया और उसको कहा गया जनार्दन रेड्डी समिति 1992। इन दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से प्रकाशित किया। यह परिवर्तित कार्य योजना 1992, यानी हमने पहले भी पढ़ा था प्लान ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो
क्रियान्वित करने की जो योजना थी उसको पीओए कहा गया था, यानी अपरिवर्तित कार्य योजना, पीओए, प्लान ऑफ एक्शन 1992। अब क्या हुआ, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी इसको, और 1992 का जो दस्तावेज था वो क्या था, यानी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का जो दस्तावेज है उसकी हम बात करते हैं। इसमें किया गया कि भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित संशोधन किए, और वो संशोधन मैंने आपको बताया कि उन्हीं 12 भागों में किए गए या उन्हीं 12 खंडों में किए गए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 12 भाग थे उन्हीं में संशोधन किया गया। तो अब हम इसके 12 खंडों की बात करते हैं, 12 भागों की बात करते हैं जिनमें इन्होंने संशोधन किया, किसने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या संशोधन किया उसी की हम बात करने जा रहे हैं। पहला जो भाग था जिसमें हमने पढ़ा था कि भूमिका का जिक्र किया गया था, भाग दो में शिक्षा का सार और उसकी भूमिका का जिक्र किया गया, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी भाग एक और भाग दो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब क्या है भाग तीन, भाग तीन में परिवर्तन किया गया, और भाग तीन में क्या परिवर्तन किया गया, इसमें परिवर्तन किया कि, और भाग तीन किससे संबंधित था, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित था, भाग तीन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित था, और इसमें परिवर्तन किया कि पूरे देश में प्लस टू को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाए, पूरे देश में स्कूली शिक्षा प्लस टू को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाए। उसमें हमने करा था 10+2+3 1986 में, और इसमें इन्होंने अलग ये जोड़ा है कि पूरे देश में प्लस टू को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाए। फिर ये तो थी भाग तीन की बात, अब आती है भाग चार की बात। भाग चार में क्या किया, समानता के लिए शिक्षा की बात भाग चार में कही गई थी। इसमें इन्होंने कौन से संशोधन किए उनकी बात करते हैं, तो भाग चार में चार संशोधन किए गए। इसमें चार संशोधन कौन कौन से किए गए उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। भाग चार में जो संशोधन किए गए उनमें है, जो चारों संशोधन है उनका जिक्र मैं कर रही हूँ यहाँ पे। भाग चार में जो चार संशोधन है, पहला जो संशोधन है वो था समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक ध्यान दिया जाए, समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक ध्यान दिया जाए या अधिक जोर इस पर दिया जाए, समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया जाए। दूसरा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने की बात है वो कही गई। ये भाग चार में जो संशोधन हुआ था उसी की बात कर रहे हैं हम, दूसरे संशोधन की। तीसरा जो किया वो था कि व्यवसाय या स्वरोजगार केंद्रित तथा आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यवसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाए, कि व्यवसाय या जैसे हम कहें स्वरोजगार, अपना कोई बिजनेस हो उसके ऊपर रुचि के आधार पर ही व्यवसाय चुने और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा, तो जो स्टूडेंट है वो रुचि के अनुसार है शिक्षा है वो ग्रहण कर लेगा। फिर जो चौथी जो बात थी, चौथा जो संशोधन था वो ये था, नए साक्षरों के लिए साक्षरता के उपरांत सतत शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। ये चौथे जो संशोधन की बात थी। तो भाग चार में चार संशोधन हुए, चारों की बात हमने कर ली। अब बात आती है भाग पाँच की। भाग पाँच में क्या होता है, भाग पाँच की हम बात करते हैं। तो भाग पाँच किससे संबंधित था, भाग पाँच था विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन से संबंधित था। और इसमें कितने संशोधन किए गए, इसमें 7 संशोधन है वो किए गए। ये शैक्षिक पुनर्गठन से संबंधित था और इसमें 7 संशोधन है वो किए गए। इन 7 जो संशोधन है वो कौन कौन से किए गए उनकी हम बात यहाँ पे करते हैं। 7 संशोधनों में हमने जो संशोधन हुए उनमें से पहला जो संशोधन है वो ये है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 3 कमरों तथा 3 अध्यापकों की व्यवस्था है वो की जाएगी। तो इसमें पहले क्या था, 2 कमरे 2 अध्यापक और 1 बरामदा। अब बात आ गई है 3 कमरे 3 अध्यापक और 1 बरामदा, और ये था इसमें संशोधन जो किया गया।
फिर किया गया कि भविष्य में 50% महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। अगले जो संशोधन की बात आती है भाग 5 में, वो ये है कि 50% महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति है वो की जाएगी। ये तो 1986 में भी बात रखी गई थी। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया जाएगा। इसकी भी जो है कि इसको उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है प्राथमिक स्तर से ऊपर उठाकर इसको कहाँ ले जाया जाए, उच्च प्राथमिक स्तर पर ले जाया जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो योजना है इसको। फिर अगला संशोधन है सन 2000 तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। ये इसका जो है अगला संशोधन है कि सन 2000 तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। अगला संशोधन है माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के प्रवेश पर जोर दिया जाएगा। यानी माध्यमिक शिक्षा पर बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के प्रवेश पर जोर है वो दिया जाएगा। फिर अगली जो बात आती है वो है छठे नंबर का संशोधन है, उसकी जो बात है अपन करते हैं वो ये है कि मुक्त शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। और अगली जो बात है वो है मूल्यांकन में सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का निर्माण है वो किया जाएगा। ये जो 7 संशोधन है ये भाग 5 में किए गए। अब भाग 6 की बात आती है। भाग 6 में क्या होता है, तकनीकी एवं शिक्षा प्रबंध था भाग 6, इसमें केवल एक संशोधन किया गया और वो एक संशोधन था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। यानी भाग 6 में एक ही संशोधन हुआ और वो था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। ये था भाग 6 का संशोधन। अब ये तो हो गए हमारे 6 जो भाग थे। अब इसके बाद जो बात आती है वो भाग 7 की आती है। भाग 7 में क्या होता है उसकी बात हम करते हैं, जो अगला जो भाग था 7, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी भाग 7 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और भाग 7 किससे संबंधित था, भाग 7 था शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, और इसमें कोई संशोधन है वो नहीं किया गया। अब भाग 8 की बात करते हैं हम। भाग 8 में शिक्षा को विषय वस्तु तथा प्रक्रिया, शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को मोड़ देना, ये इससे संबंधित था भाग 8, और इसमें 2 संशोधन किए गए। वो जो 2 संशोधन थे वो कौन से थे, यानी 2 संशोधन इसमें किए गए, 2 संशोधन भाग 8 में। और वो जो 2 संशोधन थे वो ये थे कि जनसंख्या शिक्षा पर जोर दिया जाए, जनसंख्या शिक्षा पर जोर दिया जाए, लोगों को जागरूक है वो किया जाए। और अगला जो है वो है परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। यानी ये 2 संशोधन थे, पहला जनसंख्या शिक्षा पर जोर दिया जाए, दूसरा परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाए। ये 2 संशोधन 8वें भाग में किए गए। भाग 9 शिक्षक से संबंधित है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। भाग 10 जो है वो है शिक्षा का प्रबंध, इसमें जो संशोधन किया गया, एक संशोधन किया गया, और वो एक संशोधन था शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय है वो किया जाएगा। ये बात 1986 में भी हुई थी, ये बात 1968 में भी हुई थी। तो ये जो बात है ये चली आ रही है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यानी POA और है क्या कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय किया जाएगा, तभी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो सुदृढ़ हो सकती है। अब आता है भाग 11 और 12। भाग 11 संसाधन से संबंधित, भाग 12 समीक्षा से संबंधित, ये हमने पढ़ा था। अब संसाधन तथा समीक्षा में कोई संशोधन है वो नहीं किया गया, यानी इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। तो ये थे अपनी शिक्षा जो 1992 की जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई उसके संशोधन, कि कौन कौन से भागों में संशोधन है वो किए गए, वो मैंने ब्लैक पेन से है हाईलाइट किए हैं जिसमें संशोधन किया गया था, जिन भागों में संशोधन किया गया था। आशा करती हूँ आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कि इसमें कि जो प्रस्ताव तैयार किया वो क्या था। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज है उसकी बात हमने कर ली है। भारत सरकार ने कौन कौन से संशोधन, इसमें भारत सरकार ने जो समिति का गठन किया उसने कौन कौन से भागों में संशोधन किया उसकी बात हमने आज के वीडियो में की। अब हम आगे इसके जो
जो थे इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 24 भाग थे, 24 भागों में इसको विभाजित किया गया था, इसकी कार्य योजना को, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।